कद्दू का नाम सुनते ही भाग जाने वाले बच्चे हो या बड़े कद्दू की इस रेसिपी को मांग मांग के खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस कद्दू की बहुत ही मजेदार सी सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, लेकिन कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन सी। ये आपके शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरी बात, ये सब्जी पचने में बहुत ही आसान होती है, इसीलिए जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर हमें कद्दू और लौकी खाने के लिए कहते हैं। लेकिन इस रेसिपी को आज हम इस तरीके से बनाएंगे कि आपने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा। आज मैं जिस तरीके से कद्दू की सब्जी बना के दिखाऊंगी, आप एक बार इस तरीके से बनाकर खा लेंगे तो गारंटी के साथ बता रहे आप इसे हफ्ते में 4 दिन जरूर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आधा केजी लिया है कद्दू। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसकी जगह पे 1 किलो भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले कद्दू को इस तरह से कट कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसके बीज को इस तरह से निकाल लेंगे और इसके जो छिलके हैं इसको भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, कद्दू जो आपको लेना है वो ताजा लेना है, बासी कद्दू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और कद्दू की पहचान कैसे होती है कि वो ताजा है या नहीं, देखिए आप इस तरह से नाखून इसके अंदर घुसाएंगे तो वो अच्छे से जाएगा नाखून। अगर वो धस नहीं रहा है तो समझ जाइए वो कद्दू 2 से 3 दिन का पुराना कद्दू है और उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब कद्दू के हम कुछ के छिलके को निकाल लेंगे और कुछ के नहीं, तो चलिए साफ कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कद्दू के छिलके को मैंने निकाल लिया है, आधे छिलके को निकाला है और आधे कद्दू को मैंने इस तरीके से रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसके छिलके को मैंने निकाला है उसको हम कट करेंगे, उसको हम इस तरह से मोटा मोटा कट करेंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मोटा मोटा रफली कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने कद्दू को अच्छे से वॉश कर लिया और कपड़े से पोंछ दिया है ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कद्दू बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है और यहाँ पे जो ये वाला है अब इसके साथ काम करेंगे। यहाँ पे इसको हमें पतला पतला कट करना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको पतला पतला कट करेंगे, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और इसको हम छिलके के साथ ही कट करेंगे, इससे रेसिपी का लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को 1 लाइक जरूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा क्योंकि कद्दू बहुत सारे लोग खाना नहीं पसंद करते, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो सभी लोग कद्दू को उंगली चाट चाट के खाएंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, बहुत ज्यादा इसको मैंने मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा, इस तरीके से कट करना है। अब यहाँ पे इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और इसको हम मोटा मोटा सा रफली कट कर लेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी ले सकते हैं, कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। डियर, धनिया डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और हरा धनिया में पाया जाता है आयरन जो आपके खून के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हरा धनिया को हम रखेंगे साइड में और अब हम क्या करेंगे, एक मसाला रेडी करेंगे और इस मसाले को बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे और अब इसके अंदर हम कुछ चीजें डालेंगे, जितनी जितनी हम डालेंगे उतनी जितनी आपको डालना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी 1 छोटा चम्मच, फिर उसके बाद इसको चटपटा बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ आधा चम्मच लेना है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे छोटा मैगी मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन हो तो जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा काला नमक जो टेस्ट को बहुत ही अच्छे से बढ़ा देता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी जिसको मैंने तावे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसको डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें हम डालेंगे हींग, हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये गई 1 चुटकी हींग और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये मसाला बनके रेडी हो चुका है, इसको हम आगे यूज करेंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा तभी आपको रेसिपी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और आपकी रेसिपी कमाल की बनेगी।
तो चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम एक टेबलस्पून तक डालेंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पे मैं सब्जी को सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सब्जी हमेशा सरसों के तेल में ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप चाहे तो ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं अगर आप ज्यादा हेल्दी खाते हैं डियर। तो मुझे सरसों का तेल पसंद है तो मैं सरसों का तेल डाल ली हूँ। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सरसों के तेल में एक कड़वाहट होती है, जब तक आप इसको अच्छे से गर्म नहीं करते वो नहीं निकलती है। तो यहाँ पे देखिए तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, तब इस स्टेज पे देखिए धुआं निकलने लगा है। तब इसमें हम डाल देंगे मेथी डाला और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और अब इसी के साथ हम इसमें एक सूखी लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे, और अब इसके बाद हम इसके अंदर कद्दू ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक टुकड़ा ये देखिए रह गया है, इसको हम कट कर लेंगे। ये हमको दिखा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो हम इस समय कट कर ले रहे। ये देखिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी तले का लीजिएगा ताकि जलेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कुछ लोग खाली मेथी डालते हैं, लेकिन आप एक बार जीरा भी डालिएगा, आपको टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम पे 10 से 15 सेकंड अच्छे से पहले भूनेंगे, ताकि इस पर ऑयल की बिल्कुल अच्छे सी एक कोटिंग आ जाए। फिर इसको हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि कद्दू में हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना होता है, क्योंकि बाद में कद्दू जो होता है वो सूख जाता है और कम हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमने हरा धनिया शुरुआत में कट किया था वो हम थोड़ा सा डाल देंगे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमें कद्दू को कवर नहीं करना है, अगर आप कवर कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गल जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, इससे इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है हम इसको दूसरे फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए और आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा बर्तन ले लिया, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 2 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे एक चुटकी के, और अब हम इसमें 1-2 बूंद ऑयल डाल देंगे और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे हमें 1 उबाल आने का वेट करना है, जब तक 1 उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है डियर। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है। अब जो हमने कद्दू को इस तरह से छिलका निकाल के रखा था उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम इसको घड़ी देख के 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। 3 मिनट में बिल्कुल अच्छे से कद्दू हमारे बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कद्दू को पकने में बहुत ही कम टाइम लगता है, कद्दू एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही जल्दी गल जाती है, तो इसीलिए हमें सिर्फ 3 मिनट ही इसे पकाना है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है, और दूसरी बात कवर करने की गलती नहीं करनी, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। ओवर कुक नहीं चाहिए, इसको हमें बस कुक करना है। तो चलिए इसको 3 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है मूंग की दाल, जो साबुत वाली ली है। अगर आपके पास मूंग की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, लेकिन मूंग की दाल बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, बच्चे से खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन इस रेसिपी में इस मूंग की दाल को वो आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेट ने मुश्किल से हमारी ये 30 ग्राम दाल ली थी, जिसको मैंने रात में भिगो के रख दिया था, और जब ये बिल्कुल अच्छे से फूल गई तब मैंने इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि दाल हमारी फूली हुई है इसीलिए हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी डालेंगे। यहाँ पे अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको 2 विसल लगाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, पहली जो सीटी होनी चाहिए वो हमें हाई फ्लेम पे लगानी है और दूसरी सीटी हमें लो फ्लेम पे लगानी है। टोटल हमें 2 सीटी लगानी है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भीगी हुई है तो जल्दी से फूल जाएगी। तो चलिए इसको हम कवर करके 2 सीटी लगा के फिर लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कद्दू को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, कद्दू हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है।
और बिल्कुल भी गला नहीं है। इस तरीके से आप पकाएंगे, हल्का सा भून देंगे शुरुआत में तो गलेगा नहीं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। डियर थोड़ी सी शुगर डालेंगे तो जो सारे टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा और तीखा कद्दू हमारा बनके रेडी होगा। अब ये जो मसाला मैंने बनाया था यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे सारा का सारा। ये मसाला बना के आप रख लेंगे तो जब भी आपका मन करेगा कद्दू की सब्जी बनाने का आप फटाक से निकाल के बना पाएंगे। तो इसको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे मसालों को 10 से 15 सेकेंड लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखिए कद्दू हमारा कितना अच्छा सा बन गया है, खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। आप इस तरीके से एक बार कद्दू की इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, घर वाले आपसे जिद करके हफ्ते में 4 से 5 बार यही सब्जी बनवाएंगे। अब हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, तो थोड़ा हरा धनिया पहले डाला था बाद में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे कद्दू हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी हमारा कद्दू गला नहीं है, एकदम खिला खिला सा है। और इसको आप किसी भी चीज के साथ खाएंगे, पूड़ी के साथ, चावल के साथ या फिर किसी भी पराठे के साथ खाएंगे तो आपको खा के मजा आ जाएगा। और जिस पराठे के साथ मैंने इसको सर्व किया उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट है और वो प्रोटीन रिच पराठा है हमारा। तो अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे, पराठा या कद्दू की सब्जी, तो आप रेसिपी को एक लाइक देना मत भूलिएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हरा धनिया काला हो जाता है, उसका लुक भी अच्छा नहीं आता, टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है। अब कद्दू को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, तो यहाँ पे हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कद्दू की सब्जी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। और आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक देना मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए। तो देखिए हमारा कद्दू कितना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका मन कर रहा होगा खाने का, तो एक बार जरूर से ये खट्टा मीठा तीखा कद्दू बना के खाइएगा और फैमिली वालों को खिलाइएगा। यहाँ पे देखिए दाल में 2 सीटी लग गई थी तब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था, और जब इसकी विसल अपने आप खत्म हो गई थी तब मैंने इसको खोला है। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, जैसे ही आप कुकर को बंद कीजिए और वो 2 सीटी लगा दे तो उसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, इससे कुकर फट सकता है और कोई बड़ा सा हादसा भी हो सकता है डियर, और हो सकता है आपके जले के निशान भी पड़ जाए क्योंकि इसके छींटे आपके आसपास आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ठंडा होने के बाद उसका सारा जब भाप निकल जाए अपने आप तभी खोलना है। यहाँ पे देखिए दाल हमारी कितनी अच्छे से गल गई है। यहाँ पे दाल को हमें बिल्कुल अच्छे से इस तरह से कुक करना है, यानी 2 ही सीटी लगानी, बहुत ज्यादा इसको हमें गलाना नहीं है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी बचा है उसको हम यूज करेंगे, इसीलिए हमने इसके पानी को सुखाया नहीं है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसफर कर लिया अच्छे से, और अब इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इतना ठंडा होना चाहिए कि हम इसे छू पाए। अभी काफी ज्यादा जल रहा है, तो चलिए इसको हम 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा लेना है। इसमें हम डालेंगे 8 से 9 काली मिर्च के दाने, और फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, साबुत जीरा डालने हैं, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी रेसिपी में। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, अगर आपके पास धनिया ना साबुत हो तो आप इसकी जगह पे पाउडर भी ले सकते हैं। 1 ग्रीन चिली को इस तरह से तोड़ कर डाल देंगे, 1 इंच का अदरक लेंगे जिसको छिलके के साथ डालेंगे, अदरक डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे से सुखा के लिया है, फैन के नीचे सुखा लिया था, फ्रेश हरा धनिया नहीं डालना है, सुखा के डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियां, जिसको हम छिलके के साथ डालेंगे, क्योंकि मेरा लहसुन फ्रेश वाला है, अगर आपका लहसुन पुराना है तो उसका छिलका पीला होगा, उसको आप निकाल दीजिएगा। अब इसको हम बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेंगे, तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इसको मैंने बहुत ज्यादा फाइन नहीं किया, इस तरह से मैंने इसको दरदरा रखा है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट निकल के आए। ये देखिए आप इस मसाले को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो दाल थी बिल्कुल अच्छे से इतनी ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छुपा रहे, हल्की सी गुनगुनी होगी तो चलेगी। अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा मैंने ट्रांसफर कर दिया है,
और अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा चाट मसाला जिससे हमारा नाश्ता काफी ज्यादा चटपटा बने। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सफेद तिल जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा और ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और एक चुटकी डालेंगे हींग, तो हींग को स्किप नहीं करना है, सिर्फ एक चुटकी डालना है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया रस वाला, जिससे लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और इसको इस तरह से मोटा मोटा सा कट कर लेंगे और नाश्ता हमारा अंदर से खस्ता और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने, इसके लिए हम थोड़ा सा इसके अंदर एक छोटा चम्मच तक ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं डियर। और अभी तक हमने इसके अंदर नमक जो डाला था वो कम है, तो थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर और डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे डियर। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, ये हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है और नाप में एक कप है, आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे हम इसमें एक चम्मच डालेंगे सूजी जो बारीक वाली डालनी है, अगर आपके पास मोटी वाली हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। और अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दाल में इतना मॉइस्चर होता है कि ये बिल्कुल अच्छे से गूंद जाएगा, तो इसको हमें अच्छे से गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि आपका आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा, लेकिन अगर आप मेरे मेजरमेंट से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं मुझे एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं लगा है इस आटे को गूंदने में, क्योंकि दाल में इतना मॉइस्चर था कि उसी से ये आटा बिल्कुल अच्छे से गूंद गया है। यहाँ पे अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो आपका भी आटा बिल्कुल अच्छे से लग जाएगा, आपको कोई भी पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये रेसिपी आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके ऊपर और ऑयल डाल के हम इसको 10 से 15 सेकंड और मस लेंगे, मसल मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जिससे हमारा नाश्ता मसलने से बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट अंदर से खस्ता और दूसरी बात कुरकुरा बनेगा। अब यहाँ पे इस आटे को हमें कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। चलिए इसको साइड में रख देते हैं, 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कद्दू को जो मैंने रखा था पकने के लिए, तो यहाँ पे देखिए कद्दू हमारा पक गया है और पकने के बाद इस तरह से मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था और हल्का सा जब ये ठंडा हो गया तब इसको हम कद्दू को निकाल लेंगे और ये जो पानी होगा इसको भी हम यूज करेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कद्दू को मैंने निकाल लिया है, कद्दू हमारा बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए इस तरह से नाइफ हम इसके अंदर डाल लें तो बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। हल्का सा जब ये गुनगुना होगा तभी हम इसको मैशर से अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मैश कर देना है, बिल्कुल भी मैश करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कद्दू हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है। यहाँ पे कद्दू को हमें बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल कद्दू अच्छे से मैश हो गया है, जितना भी मोटी मोटी गुठलियाँ थी वो मैंने खत्म कर दी है। आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कद्दू हमारा इतने अच्छे से कुक है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास अजवाइन ना हो तो आप इसकी जगह पे जीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या होगा, पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला जिससे हमारा चटपटा बनेगा और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक, नमक हमें ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम कद्दू के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मिक्स कर दिया है, अब इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक छन्ना लिया, अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसी जगह पे मलमल का कपड़ा ले सकते हैं या फिर कोई भी जालीदार कपड़ा ले सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बेसन, तो यहाँ पे मैं एक कटोरी बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो वेट ने हमारा मुश्किल से कितने ग्राम है, 50 ग्राम है। यहाँ पे मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बेसन को आपको छान के लेना है। यहाँ पे एक कटोरी बेसन हमारा इनफ रहेगा इस रेसिपी में, अगर आपको लगे कि कम पड़ रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन बेसन को आपको छान के ही डालना है। तो चलिए बेसन को अच्छे से छान लेते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए बेसन को अच्छे से छान लिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने हल्का सा तावे पे भून के डाल दिया है। अब यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा, जब हमारा कद्दू गुनगुना होगा तभी हमको मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर समा जाए। अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा गीला है, लेकिन जैसे ही हम इसको रेस्ट पर रखेंगे जो कद्दू और बेसन होगा आपस में मिल जाएगा और ये हल्का सा टाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसको टाइट रखना ही नहीं है, तो इसको हम कम से कम 2 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर समा जाए, और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही वाला मिक्सी का जार लिया जिसमें मैंने पहला वाला मसाला बनाया था। अब हम सब्जी के लिए मसाला बनाएंगे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीली वाली सरसों। यहाँ पे आपको काली वाली सरसों का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आपके पास सरसों ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं डियर। इसकी जगह पे आप नारियल ले सकते हैं, जिसको खसखस बोलते हैं। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा, 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सौंफ, तो सौंफ जरूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और ये पेट को ठंडा भी रखती है। फिर इसके बाद एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे, तो उसको तोड़ कर डाल देंगे, और एक हरी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक। आप क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर, तो यहाँ पे टमाटर आपको जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास टमाटर ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं डियर। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि टमाटर के अंदर खुद का पानी होता है, प्याज के अंदर खुद का पानी होता है। अब इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे, तो चलिए पीस के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से हमारा पेस्ट बन चुका है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, इस तरह से हमें पेस्ट चाहिए। यहाँ पे देखिए जो हमारा घोल था ये भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, इतना ही हमें चाहिए था, बिल्कुल अच्छे से हमारा, ना बहुत ज़्यादा गीला है ना बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए। आप इसकी प्रिपरेशन रात में ही करके रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। उससे पहले फ्रेंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और मेरी मेहनत को सफल कीजिए डियर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पर रखे हुए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको हम 10 सेकंड मसल लेंगे, इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे देखिए आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब यहाँ पे हम आटे में से इस तरीके से पोर्शन निकाल लेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, और यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से गोला बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा गोला बन गया है, थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इस गोले को इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा गोले के ऊपर भी डालेंगे और इसको इस तरह से घुमा लेंगे, और अब इसको हम इस तरह से फैला देंगे, ये देखिए। और फैलाने के बाद हल्का सा इसको रोल आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको हल्का सा बेल लिया है। जब मैंने इसको हल्का सा बेल लिया उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, और इसको इस तरह से हम पूरे में फैला देंगे। यहाँ पे मैं फिंगर से फैला रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी फैला सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे डियर, और फोल्ड करने के बाद इस हिस्से में भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इसको हम दोबारा भी फोल्ड कर देंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, चपाती से हल्का सा मोटा रखना है। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है, बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, हल्का सा मैंने इसको मोटा सा रखा है। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गैस पे मैंने तावा रख दिया, यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तावा रखा है, आप चाहें तो इसकी जगह पे लोहे का भी ले सकते हैं। तावे को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, जब तक तावा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही तावा गर्म हो जाएगा हम अपने पराठे को इसके ऊपर डाल देंगे,
और इसको हम 10 सेकंड हाई फ्लेम पर पकने देंगे और 10 सेकंड के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 10 सेकंड हो चुके हैं, अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सिकने देंगे और 1 मिनट के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक आपको इसको अच्छे से सिकने देना है। इसी से आपका जो पराठा है वो कुरकुरा और अंदर से खस्ता बनेगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो पराठे का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। 1 मिनट हो चुका है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घी के जो पराठे होते हैं अगर आप उसको बच्चों को टिफिन बॉक्स में देते तो उनको खाने में दिक्कत होती है क्योंकि वो जम जाते हैं, लेकिन रिफाइंड के पराठे बिल्कुल भी जमते नहीं हैं। अब यहाँ पे हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरे साइड भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो ये पराठे प्रोटीन रिच हैं, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पे आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि पराठों को हमें मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से दबा दबा के अच्छे से सेकना है, जब तक कि आपके पराठे बिल्कुल अच्छे से सिक ना जाए तब तक आपको इसको दबा दबा कर ही सेकना है। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तब आप इसको पलट दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है पराठों पे, और इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि ये हरी वाली मूंग की दाल से बना है और ये दाल पचाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। अब इसको हम दूसरे साइड भी अच्छे से दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। तो इस पराठे को बनाने में मुश्किल से 3 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ही खस्ता पराठा बना होता है और कद्दू की सब्जी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे चलिए दूसरे साइड से भी देख सकते हैं कि पराठा हमारा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है दोनों साइड से। अब गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे 10 सेकंड इस तरह से अलटते पलटते हुए पराठे को पकाएंगे। ये पराठा बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है। ये देखिए पराठा हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब आपको सर्व करके इसका हम फाइनल नज़र दिखाते हैं। डियर फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे हमें तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगी, सलो फ्राई करूँगी और इस तरह से हम इसको छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे इसे नहीं बनाना है और एक बार में उतना ही डालना है जितना कि आपके बर्तन में आराम से आ जाए। तो फ्रेंड आप चाहें तो इसको पानी में डाल के भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन उससे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको इस तरह से इसको हल्का सा तेल में शेक के मज़ा आएगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसको नींबू के आकार की बना के डालना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखना है ताकि अच्छे से कुक हो जाए। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके अंदर इतनी डाल दिया है जितना कि इसमें आ पाएगा। इस तरह से मिश्रण को बना के आप हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं और जब भी आपका सब्जी बनाने का दिल करे आप निकाल के फटाफट बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, आप एक और डाल देंगे। और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे एक साइड से और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है तो इसीलिए हम इसको इस तरह से 2 मिनट के बाद टर्न कर देंगे और दूसरे साइड भी इसको हम 1 मिनट पकाएंगे। टोटल को इसको हमें 3 मिनट ही पकाना है, सिर्फ 80% तक, बाकी ये हमारी आगे कुक हो जाएगी। अगर आप इसको अभी बहुत ज़्यादा पका देंगे तो बाद में ये अच्छे से हमारे जो ग्रेवी होगा उसके अंदर अच्छे से नहीं आएगी, यानी सोखेगी नहीं। आप इसको 2 मिनट और पका लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, फिर इसके बाद इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से हमारी गोल्डन हो गई है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसको चाहे तो ऐसे ही बच्चों को केचप के साथ या फिर चाय के साथ दे सकते हैं, मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं ग्रीन वाली चटनी या मोमोज वाली चटनी के साथ, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसको कद्दू के पकौड़े बोल सकते हैं। तो मैं इसको बनाऊंगी सब्जी जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा है, इसको हम कम कर लेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भुनने देंगे। जब तक हमारा प्याज अच्छे से भुनेगा नहीं तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। तो प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, अब इसमें हम एक तेज पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर जीरा डालेंगे।
अब इसको हम चटकने देंगे। जैसे ये चटक जाएगा, अब हमने जो ये पेस्ट बना के रखा था ये हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे सारा का सारा। और अब इसके अंदर हम पहले कुछ भी नहीं डालेंगे, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम एक चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आप चाहें तो पिसी वाली भी डाल सकते हैं, सिर्फ एक छोटा चम्मच डालना है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, फिर थोड़ा सा इसमें डालेंगे सांभर मसाला, अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके जब तक कि हमारे मिल्क मसाले बिल्कुल अच्छे से ऑयल सेपरेट नहीं कर देते तब तक पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दो मिनट में मसाला बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया, इस तरह से ऑयल छोड़ने लगा है। मैंने बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है सब्जी को बनाने के लिए, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला जो हमें लास्ट में डालना है। अगर आप पहले गरम मसाला डाल देते हैं तो अच्छा लुक भी नहीं आता है और टेस्ट भी नहीं अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पानी ऐड करने से पहले हम इसके अंदर अपनी बड़ियों को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मसाले के साथ 10 से 15 सेकंड भून लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा सा स्वाद इसके अंदर आ जाए मसालों का। तो ये स्टेप आपको जरूर करना है। गैस का फ्लेम हम फुल रख रहे हैं और फुली फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी डियर। तो पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना चाहिए आपको रख सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस। तो मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए। यहाँ पे देखिए सब्जी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपको रखना है उतना आप रख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद अब इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे और 1 मिनट में सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड 1 मिनट और हो चुका है सब्जी को पकते हुए, सब्जी हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अब गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद और सब्जी को हम करेंगे सर्व। तो यहाँ पे मैं सब्जी को निकाल लूंगी। देखिए सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग बनी है, आप इसे किसी भी मेहमानों को सर्व कर देंगे तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं जा पाएंगे और कोई नहीं जान पाएगा कि आपने इसे कद्दू से बनाया है। ये सब्जी खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। सब्जी का फाइनल रिजल्ट आप लोग को अभी मैं आपको दिखाएंगे, पराठों के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो चलिए सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुकी है हमारी कद्दू की खट्टी मीठी तीखी सी सब्जी। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सब्जी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप एक बार इस सब्जी को बना के खा लेंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। देखिए सब्जी कितनी अच्छे से कुक हुई है, लेकिन बिल्कुल भी गली नहीं है, एकदम खिली खिली सी है। और यहाँ पे मैं आपको पराठे को दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए पराठा मेरा जो है कितना अच्छे से कुक हुआ है। इस पराठे को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये देखिए, और बहुत ज़रा सॉफ्ट पराठा है, पूरा पराठा हाथ में आ रहा है। अब मैं इसको तोड़ के इस सब्जी के साथ खा के आपको दिखाती हूँ कि सब्जी हमारी कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनी है और इस पराठे के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो इस तरह से बना के आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आपको खा के मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड सब्जी की रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज सब्जी को 1 लाइक जरूर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। तो चलिए इसको खाकर दिखाते हो, देखा हमारी सब्जी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस सब्जी को हम साइड में रखेंगे और अपनी दूसरी सब्जी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरी सब्जी भी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। दोनों में से आपको कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सब्जी बहुत ही कमाल की है, जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए आप इस सब्जी को बना के खा सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है, चम्मच लगाते हैं इस तरह से हमारा बिल्कुल कोफ्ता टूट रहा है। यहाँ पे इस पराठे के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस रेसिपी को इस पराठे के साथ खा लेंगे तो जब भी इस सब्जी को बनाएंगे पराठा जरूर बनाएंगे। इसकी जो थिकनेस है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं डियर, आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सब्जी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है,
मैं जा रही हूँ सब्जी को एंजॉय करने और फैमिली वालों को देने। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। उसकी थिकनेस को अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया है कि रोटी पराठे नान या फिर राइस सबके साथ चल जाएगा। तो चलिए एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी मेहनत में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ सब्जी को एंजॉय करने और फैमिली वालों को देने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।